पहली छोटी, दूसरी बड़ी, तीसरी उससे बड़ी। पहले वाली जो है इसका ये सिरा बड़ा, दूसरे वाली के दोनों सिरे बराबर आने हैं, लास्ट वाली की ये साइड ऊपर आनी है, ये साइड नीचे आनी है। जीम जो है इसको आपने तीसरी लाइन से स्टार्ट करना है। टोटल एक दो तीन चार लाइनों को मजमूआ होती है राइटिंग, इस लाइन से जीम को शुरू करना है। दाल और ये सबसे नीचे वाली लाइन में आनी है। जीम का सार और पेट दोनों बराबर होने हैं। सीन भी इसके बराबर से शुरू करनी है। सीन का पहला सिरा छोटा, दूसरा उससे नीचे, तीसरा उससे नीचे और ये चौथा इससे नीचे। सीन के पहले किंगर में जितनी स्पेस है इससे दो गुना ज़्यादा आगे वाले में आनी है। शीन भी इनके बराबर से ही शुरू करनी है। इसी तरह तीसरी लाइन से स्वाद भी शुरू होना है। स्वाद का सार अंदर से खाली होना है। स्वाद के सार के आगे एक डार्ट की स्पेस आनी है और इसके मुँह में भी एक डार्ट की स्पेस आनी है। ना इसका मुँह इस तरह बंद करना है और ना ही बहुत ज़्यादा खुला बनाना है। एक डार्ट की स्पेस होती है इसके बाहर भी और अंदर भी। तोवे का अलिप बनाना है, नीचे सेम टू सेम ये स्वाद का सार जोड़ देना है आपने। इसी तरह एन का नीचे वाला हिस्सा आगे होना है, ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा पीछे होना है। फे का सार अंदर से खाली नहीं होना। चार लफ्ज़ ऐसे हैं जिनका सार अंदर भरा हुआ होता है, फे काफ मीम और वाव। इसी तरह काफ का सार अंदर से भरा हुआ होना है। ये काफ भी इस्तेमाल हो सकती है और गाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। अगर अलिफ छोटा आएगा तो ये दूर तक जाएगी और अगर अलिफ बड़ा आना है तो फिर ये छोटी बननी है। मीम का सार भी अंदर से भरा हुआ होगा। ये डार्ट डालना है, डार्ट के सेंटर पे से वापस लेके हैं। वाव का सार भी अंदर भरा हुआ होना है। हे गुलाई की शक्ल में बनानी है। हमजा सेम टू सेम एन की तरह, नीचे वाला हिस्सा आगे, ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा पीछे आना है। छोटी ए का हिस्सा ऊपर वाला जितना आएगा नीचे सेम उतना आएगा। बड़ी ए का ये हिस्सा छोटा आना है, ये हिस्सा बड़ा आना है। ये छोटी ए का सार बनाना है पहले, उसके नीचे दो दफ़ा स्वाद की शक्ल बना देनी है ये वाले। ये आज आपके लफ्ज़ आएंगे, लफ्ज़ के साथ मिलके भी बे पे तेट ऐसे की शक्ल वही बननी है जो अलग बनती है। दोनों साइडों से बे उठी हुई नज़र आए बकायदा, कुछ बड़े वाली और कुछ छोटे वाले। ओके जी।